Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the recently held preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2023 paper Civil Law 2 jo ki abhi recently conduct kiya gaya hai on 9th of July 2023. I hope ki ye videos aapke liye badi useful rahengi. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज 10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर. तो देखिए, ये एग्जाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था. कई लोगों ने स्कैन करके पेपर डाले हुए हैं बट वो क्लियर नहीं थे, तो ऑब्वियसली आई टाइप डेट. दिस इज सीरीज सी. ये सी सीरीज का पेपर है, पेपर टू सिविल लॉ टू. क्वेश्चन नंबर वन इज अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस. देखिए, ये एक रिपीट क्वेश्चन है. अब तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन हो गया. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो वीडियो थी वो आप उठा के देख लेना, मिल जाएगा आपको. ऑफर इज कम्युनिकेटेड, पहले ऑफर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है. फिर ऑफर रिजेक्ट होगा, फिर काउंटर ऑफर आएगा, उसके बाद फिर एक्सेप्ट होगा काउंटर ऑफर. तो क्या बन गया इसका, 1324. तो सी इसका आंसर रहेगा, 1324. नेक्स्ट इज टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट. तो देखिए, जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2E ऑफ HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट में. उसमें क्या लिखा हुआ है, ए बिल्डिंग बींग यूज मेनली फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस. तो ये तो नॉन रेजिडेंशियल हो ही गया. फिर ये ट्रेड वाला भी. फिर बिल्डिंग लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पज सेपरेटली टू मोर देन 1% द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस. तो ये जो है नॉन रेजिडेंशियल नहीं होता, दिस इज़ कॉल्ड एज रेजिडेंशियल. और ये मेंशन किया गया है 2E के प्रोवाइजो में, दिस इज़ आल्सो अ नॉन रेजिडेंशियल. तो आंसर क्या रहेगा इसमें, सी इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज थ्री, विद रेफरेंस टू HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट मैच लिस्ट. अब लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है. तो सेक्शंस हैं ऑब्वियसली, तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ पर है, 14K3 में. तो देखो देखो, बी का वन जो है कि इसमें एक में ही है. देखो आ गया ना आंसर. तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इविक्शन के टाइम पर ही होती है. तो ऑब्वियसली अगर आपको एक भी इसमें से आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं. अब देखो इसमें क्या, इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको. पहले चेक करो कि ये 1, 2, 3, 4 ये ऐसे लंबे में कितने में लिखा हुआ है, ठीक है ना. फिर उसके बाद फिर ऐसे चेक करो, अगर जहाँ पर भी देखो, जैसे इसमें 2, 2 है तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये यहाँ से नहीं बनेगा. फिर दूसरे वाला चेक करो, 1, 2, 3, 4, तो उसमें से अगर आपको एक भी आता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं. फिर ये राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन 15 है, रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर फेयर रेंट. तो ये अब तो फेयर रेंट हर जगह फेयर रेंट पूछ रहे हैं इस पेपर में भी, जबकि ये स्टैंडर्ड रेंट हो चुका है और फेयर को हटा दिया गया है. ये 20 है वैसे. ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन 12 है. तो बन गया ना इसका 2143, बी इज़ दी आंसर. नेक्स्ट इज फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्पेसिफाइड लैंड लॉर्ड अंडर HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट. तो देखिए, स्पेसिफाइड लैंड लॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 2I ऑफ सेम HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट. इसमें कौन कौन होते हैं, पहले ये देखो, ए पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑन इज ऑन अकाउंट, ये है लिखा हुआ है. फिर और हु इज़ होल्डिंग और हैज़ हैड अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस, ये भी है. और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर, तो ये तीनों हो गए. तो ये वाला नहीं है, आर्मी वाला, ए इज़ दी आंसर. एंड दिस इज़ अ रिपीट क्वेश्चन, पेपर उठा के देख लो. जो वीडियो बनाई हुई है ये HP अर्बन एंड कंट्रोल वाली, वहाँ देख लो, रिपीट क्वेश्चन है ये डिट्टो. नेक्स्ट इज फाइव, एज पर द सेक्शन 7 प्रोवाइजो एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट शैल नल एंड वॉइड, बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट सिक्स, कंट्रोलर अंडर HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग पर्पस. किस लिए कर सकते हैं, फॉर रिकवरी ऑफ फाइन, वैलिडेशन टू ऑल
टू मेक रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन नो, तो रिकवरी और फाइन के लिए कर सकते हैं, बी इज़ दी आंसर। और सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है ये 31, एंड दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर एच पी अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल ठीक है, ये दिया हुआ सेक्शन 3 एक्सेप्शन में। फिर फेयर एंड फिक्स अंडर सेक्शन 4 शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम अ डेट ऑन विच अप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन। ये बिल्कुल ठीक है, ये सब सेक्शन 2 में है, 4 में। फिर व्हेन फेयर रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड हैज़ बीन फिक्स अंडर सेक्शन 4, डिक्रीज में बी अलाउड इन केस वेयर देर इज अ डिक्रीज और डिमिनेशन इन दी एकोमोडेशन और एमिनिटीज प्रोवाइडेड। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें डी आंसर रहेगा, ऑल आर करेक्ट। देखिए हर जगह ये फेयर रेंट कर रहे हैं, बट इसको स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है, ये पुराने जो लैंग्वेज है एग्ज़ाम्स की छोड़ ही नहीं रहे हैं ये, तो 2012 के अमेंडमेंट के बाद इसको स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है, तो डी इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द डिपॉजिट अंडर सेक्शन 21 ऑफ एच पी अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट शैल नॉट बी अकंपनीड बाय एन एप्लीकेशन बाय टेनेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब देखो क्या बताओ, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, डिटो रिपीट क्वेश्चन है, उठा के देख लो ये एच पी अर्बन एंड कंट्रोल वाली वीडियो। कौन कौन से पर्टिकुलर देते हैं ना, बिल्डिंग लैंड फॉर विच रेंट इज डिपॉजिटेड विद द डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, बिल्कुल ठीक है ये। द पीरियड फॉर विच रेंट इज डिपॉजिटेड, बिल्कुल ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ टेनेंट, टेनेंट के जो पर्सन क्लेमिंग अंडर दें उनकी वो जरूरत नहीं है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर ऑल पर्सन क्लेमिंग, तो इसकी जरूरत है, तो नोट पूछा है, तो सी इज़ द आंसर। डिटो रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोविजन बता ही दिया सेक्शन 21। नो रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 21 शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली डिपॉजिटेड अंडर दैट सेक्शन अनलेस द डिपॉजिट इज मेड विद इन 31 डेज फ्रॉम टाइम रेफर्ड। नो, ये 21 डेज है ये, ओके। ये मेंशन किया गया सेक्शन 22 में, फिर लिखा हुआ इफ़ द टेनेंट विलफुली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट इन हिज एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग रेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर पास बाय कंट्रोलर अंडर एच पी अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट मे प्रेफर एन अपील, चूज द करेक्ट ऑप्शंस आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 1 है विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर, जैसे बिल्कुल ठीक है, मेंशन किया गया सेक्शन 24 में। और सच लॉन्गर पीरियड अपलेट अथॉरिटी में अलाउ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इन कंपनी द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम टाइम टेकन ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में, तो ऑल आर करेक्ट, डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंक्रीज इन फेयर रेंट इज़ नॉट एडमिसिबल, तो ऑल्ट्रेशन एडिशन इम्प्रूवमेंट है तो फेयर रेंट जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो डी इसका आंसर रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड रेंट हो गया है 2012 के अमेंडमेंट से, कितनी बार बताना पड़ेगा एच पी वालों को, थोड़ा बोल के आओ एक बारी, जो अमेंडमेंट में हो चुका है वही लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। एक्सिस 12, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो ये आगे हिंदू अडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट के सेक्शंस हैं। तो प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस टू वाइफ सेक्शन कौन सा है, 18। अब देखो क्या ए का 2 है, ए का 2 देखो एक में ही है, यहीं से आ गया 2314, आ गया ना आंसर, एक ही पता होगा आपको तो ईजिली आंसर कर सकते हो आप। चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट का है कहाँ पर, सेक्शन 20 में, डिपेंडेंट्स है 22 में, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 13, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिक्रीज फॉर द पर्पज डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कोगनेट्स, रिलेशनशिप शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटरस्टेट टू द एयर इन टर्म्स ऑफ डिक्री ऑफ द असेंट और डिसेंट और बोथ, बिल्कुल ठीक है ये। फिर ओनली असेंडिंग जनरेशन नो डिग्री और असेंडिसेंट शैल नॉट बी कंप्यूटेड, तो ये तो गलती हो गई, दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये 1 से, तो ओनली 1 इज ट्रू, सी इज़ द आंसर। और सेक्शन कौन सा है ये, हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 13 लिखा हुआ, शैल बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरस्टेट। नेक्स्ट 14, वंस अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास अंडर हिंदू मैरिज एक्ट द कपल कैन लीव टुगेदर आफ्टर कोर्ट रिसेंड द डिग्री या फिर कैन लीव टुगेदर आफ्टर री मैरिज या फिर कैन डिसाइड एज पर देयर चॉइस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ जो होगा तो व्हेन द कोर्ट रिसेंड द डिग्री, बाकी अगर वो अपनी चॉइस से भी रहने लग जाए तो क्या पता लग रहा है कोर्ट को, नहीं। बट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। जुडिशियल सेपरेशन के बारे में कहाँ मैंशन किया गया, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में।
Nexus 15, any marriage solemnized will be null and void as per Hindu Marriage Act if either party has a spouse living at the time of marriage. बिल्कुल ठीक है. कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 5 conditions of Hindu Marriage Act है ना. फिर है parties are not within the prohibited degree relationship if the customs or usage governing each of them permits a marriage between two. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने if use कर लिया है, यहाँ लिखना चाहिए unless, जो कि direct में use हुआ है word unless. बताओ क्या है क्वेश्चन, ठीक होगा ये, यानी क्यों ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ये. तो इसमें क्या है, ईच ऑफ देम परमिट, दोनों के परमिट करने चाहिए अनलेस द कस्टम्स. ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा इन्होंने, हो सकता है कि किसी ने सोचा हो पेपर बनाने वाले ने कुछ तो डिफरेंट करता हूँ इसमें, तो उन्होंने डिफरेंट कर दिया. ठीक. नेक्स्ट 16, द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 13(b)(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी वेव्ड और रिड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन इन व्यू ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज. The Supreme Court has a discretion to grant divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage by passing a decree of divorce by mutual consent. Of divorce by mutual consent without being bound by the procedural requirement. Move the second motion. This has been laid down very recently in which case? So, this was Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan. D is the answer. नेक्स्ट 17, ये टी जे सरिता वर्सेज टी वेंकट सुबैया, किस पर था ये, कंजुगल राइट्स पर, सेक्शन 9 पर. इस केस में जो है सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बाद में इसको ओवररूल कर दिया गया. कौन से केस से, सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन से, है ना. ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो. नेक्स्ट 18 असर्शन है, ए बायगैमस मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ. बिल्कुल ठीक है ये. चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट. बिल्कुल ठीक है ये. तो क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ये दोनों ठीक हैं, बट इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं बनी है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 19, ए चाइल्ड हु वाज इन अ वोम्ब एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंटेस्टेट हु सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव शैल हैव सेम राइट टू इनहेरिट एज इफ ही और शी हैड बीन बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ इंटेस्टेट एंड द इनहेरिटेंस शैल बी डीम्ड टू वेस्ट इन सच केस विद द इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डेथ ऑफ इंटेस्टेट. बिल्कुल ठीक है ये. सेक्शन 20 परमिट्स एन इंटरेस्ट बीइंग क्रेडिट फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न हु अक्वायर्ड द इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है शैल नॉट हैव सेम राइट, तो ये दोनों हुई कॉन्ट्राडिक्टरी, तो 1 and 2 आर करेक्ट. अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है स्क्रैप कर दिया गया, क्यों, वो वहाँ पर ए बी सी डी लिखना भूल गए थे. ये तो मैंने ऐड किए हैं ओबियसली, दो क्वेश्चन में उन्होंने ये ए बी सी डी ही नहीं लिखे. अब मान लो मैंने यहाँ ए बी सी डी ऐसे लिख दिया, अब मान लो कि आप सोच रहे हो कि ए बी सी डी ऐसे, तो कन्फ्यूजन होती है ऑब्वियसली, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया. बट इसका आंसर क्या बनेगा, डी. नेक्स्ट 20, ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया था बट वी विल डिस्कस दिस. ए गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन और माइनर और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स अ नेचुरल गार्जियन, यस. गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, बिल्कुल ठीक है. अपॉइंटेड बाय कोर्ट, यस. पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट सच बाय अंडर एनी एक्टमेंट लेट इन टू एनी कोर्ट्स ऑफ वॉर, तो इसमें ऑल ऑफ दी ट्रू रहेगा, ऑल आर ट्रू. तो ए इज द आंसर. तो ये डेफिनेशन है गार्जियन की, कहाँ पर, सेक्शन 4 के सब सेक्शन बी ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में, ए इसका आंसर रहेगा. बट वैसे बताया कि इसमें ये ऑप्शन से नहीं लिखे थे ए बी सी डी, बट ये सारे करेक्ट थे. नेक्स्ट 21, ए हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन मिताक्षरा को पार्सनरी बाय विल से भी कर सकते हैं, सेल कर दे, गिफ्ट कर दे. देखिए मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी जो ऑप्शन है इसके भी ठीक नहीं, जो आंसर की बताई गई थी वो तो है विल, विल तो है ही है, बट लिखा हो ना हिज इंटरेस्ट, वो सेल करे, गिफ्ट करे, कुछ भी कर सकता है वो. नेक्स्ट 22, एज पर TPA इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट सच गिफ्ट इज वॉइड, ए इज द आंसर. गिफ्ट के लिए प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 122 TPA. नेक्स्ट 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट देन लिविंग ही एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ ए वेस्टेड इंटरेस्ट. ये बिल्कुल ठीक है, ये अनबोर्न पर्सन के लिए है, सेक्शन 13 एंड 20. स्टेटमेंट 2 है, सच पर्सन वुड ऑलवेज बी एंटाइटल्ड टू एंजॉयमेंट देयर ऑफ, ये रॉन्ग हो गया. तो इसमें क्या रहेगा, 1 इज करेक्ट एंड 2, बट स्टेटमेंट 2 नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, तो डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 24, अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स अटेस्टेड बाय एटलीस्ट
अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेसेस, बिल्कुल ठीक है. ईच ऑफ विटनेस हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, यस. ईच ऑफ द विटनेसेस हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, ये बिल्कुल ठीक है. मोर देन वन सच विटनेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम, ये मेंशन नहीं किया गया है. तो 1, 2, 3 आर करेक्ट, बी इज़ द आंसर. सेक्शन कौन सा है, 3 इंटरप्रिटेशंस ऑफ TPA. देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट द विटनेसेस शैल बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम. नेक्स्ट 25, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई होती है, मॉर्गेज पर ऑब्वियसली, सी इज़ द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये, 92 TPA. सेल का सेक्शन कौन सा है, 54. लीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 105 से. गिफ्ट कहाँ बताया, 122. नेक्स्ट 26, विद रेफरेंस टू TPA मैच करना है लिस्ट को लिस्ट 1 लिस्ट 2 से. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन कहाँ है, 5 में. रूल अगेंस्ट परपेचुटी 14 है. ट्रांसफर बाय ऑब्सटेंसिबल ओनर 41 है. कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट 21 है. अब देखो यहाँ क्या बन गए ये, तो A का 4 देखो ये 2 में है, फिर B का 1 ये रहा, बट C का जो 3 है, देखो C का 3 जो है एक में भी नहीं मेंशन किया गया. इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ऑप्शन गलत हो गए इसके, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया. अब ट्रांसफर बाय ऑब्सटेंसिबल ओनर क्या 41 में नहीं है, 41 में ही और कहाँ जाएगा, फिर रूल अगेंस्ट परपेचुटी कहाँ जाएगा. तो हो सकता है कि ये इसको ऊपर नीचे करने के चक्कर में इन्होंने ये 41 कर दिया हो, बट ऑप्शन तो गलत हो ही गए. नेक्स्ट 27, अंडर सेक्शन 10 TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी फ्रॉम पार्टिंग विद हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 28, मिस्टर सुकंत ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू कौशल और 60 लाख रिप्रेजेंटिंग दैट ही हैज प्रेजेंट इंटरेस्ट, वेयर एज ही इन फैक्ट ओनली अ स्पेस सक्सेशनिस्ट, ठीक है. फिर कुशाल हावर हैज़ टेकन ट्रांसफर ऑन द फेथ दैट रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर कंसिडरेशन, कुशाल इन दिस केस इज एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्स अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ TPA. तो एज पर सेक्शन 43 लेड डाउन इन जुम्मा मस्जिद मरकारा वर्सेज कोडिया मनिंदर दवैया, ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट 29, अंडर TPA सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, देखिए डिट्टो रिपीट क्वेश्चन, डिट्टो देख लो TPA की जो बनाई हुई है वीडियो मिल जाएगा, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 30, ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर इज टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ आइदर लेसर और लेसी बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 6 मंथ्स, बी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 106 TPA में. नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस, एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग शुड बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट, यस. शुड बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है. ये भी पेंडिंग में भी क्लोसिव नहीं हो सकता. सूट पेंडिंग एनी राइट टू रिमूव प्रॉपर्टी शुड बी डायरेक्टली इन क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है. तो नॉट ट्रू पूछा है तो सी इज द आंसर. एंड दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन, देख लो TPA की वीडियो मिल जाएगा आपको. लिस्ट पेंडेंस के बारे में कहाँ पर प्रोवाइड किया गया TPA में, सेक्शन 52. नेक्स्ट 32, अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, ये है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस. तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक सेक्शन 17 में है. तो देखो इससे क्या आंसर आ गया, A का 4 देखो 2 में 3 में दिया हुआ है ना. तो फिर सूट इन फॉर्मा पॉपरिस 13 में है. अब देखिए बार ऑफ लिमिटेशन जो है 3 में है. तो D का 2 एक ही में ही है, तो यहीं से आंसर आ गया. मान लो आपको एक भी आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो, A इज द आंसर. तो 1, 2, 3, 4 देखो, 1, 2, 3, 4 देखो इसी डी रो में है, बाकी जो कहीं पर भी नहीं है. तो कई बार ये ट्रिक्स जो है काम आ जाती हैं. तो डिफेक्ट इन डिडक्शन सेक्शन 14 ऑब्वियसली. तो क्या बन गया इसका, 4, 1, 3, 2 ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट 33, एज पर डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एन एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड अ पिटीशन. इट इंक्लूड्स डेफिनेशन कहाँ दी गई है एप्लीकेशन की, 2B में लिमिटेशन एक्ट. फिर इंक्लूड पटिशन, ये ठीक है. फिर सूट इंक्लूड्स एन अपील, लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड्स एन अपील और अप्लीकेशन, तो ये दोनों भी गलत हो गए. तो इसमें बी इसका आंसर रहेगा. सूट की डेफिनेशन कहाँ पर है, सेक्शन 2L में. नेक्स्ट 34, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग टोर्ट द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स एज फॉलो, ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन एवरी टाइम ड्यूरिंग विच सेट ब्रीच और टोर्ट कंटिन्यू, बिल्कुल ठीक है. कंप्रोवाइड किया गया सेक्शन 22 में. द टेस्ट इज नॉट वेदर द राइट इज अ कंटिन्यूइंग राइट बट
whether the wrong is a continuing wrong, बिल्कुल ठीक है ये. फिर continuing breach is different from successive breaches, ये बिल्कुल ठीक है. तो all of the are correct, D is the answer. Next 35, where a prescribed period of limitation for any appeal application is expiring on a holiday. तो such application or suit may be made on the day when the court reopens, बिल्कुल ठीक है. A इसका answer रहेगा. Section कौन सा है? Section है ये 4, Limitation Act. कितना easy question है, repeat question है. Next 36, what would be the effect of acknowledgement of debt in writing by the defendant after the prescribed day of limitation? देखिए जो before the period of limitation जो है वो अगर आप acknowledge कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर देगा ये फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. तो क्या होगा, सच एक्नॉलेजमेंट शैल हैव नो इफेक्ट ऑन लिमिटेशन, ये बिल्कुल ठीक है, सी इज़ द आंसर. बट अगर वो प्रॉमिस करता है, एक्नॉलेज कर देता है बाद में, तो इट विल बी अ सेपरेट प्रॉमिस एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एज पर सेक्शन 25 एक्सेप्शन 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Next 37, choose the correct option. The law of limitation is only substantive in nature. No, ये procedural है. फिर limitation bars the remedy, ये बिल्कुल ठीक है. Extinguishes the right, no, not always. Except section 27, bars the extrajudicial remedy, ये नहीं है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें, B is the answer. Any other application for which no limitation is provided elsewhere, the period of limitation will be 3 years. D is the answer. और ये कहाँ provide किया गया है, देखिए ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 137 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. अगर यहाँ लिखा होता सूट तो वो होता आर्टिकल 113 सूट के लिए. नेक्स्ट 39, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट बाय अ कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट इज 30 डेज. सी इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. और ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. बताओ रिपीट क्वेश्चन है या नहीं है. एक्सी 40 अदर्शन है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट एम्पावर्स द कोर्ट टू एडमिट अ सूट आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द प्लेंटिफ सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट इंस्टीट्यूटिंग अ सूट. ये बिल्कुल गलत है. कैसे, सेक्शन 5 इज ओनली फॉर अपील एंड अप्लीकेशन, सूट्स के लिए नहीं है. सूट के लिए अगर करना है आपने तो अप्लीकेशन लगती है सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट रेड विद ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC. फिर रीज़न इवन एन अपील में बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड इफ अपलेंट शोज, ये बिल्कुल ठीक है, ये आता है सेक्शन 5 में. तो ए इज़ फॉल्स आर इज़ 2, बी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 41, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और अप्लीकेशन. स्टेटमेंट 1 है द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज़ टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 12 में मेंशन किया गया है ये. फिर स्टेटमेंट 2 है द डे ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंसड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री शैल बी एक्सक्लूडेड, ये भी ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, सी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 42, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ए कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड वेयर द एक्चुअल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट, ये बिल्कुल ठीक है ये. फिर अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड वेयर द एक्चुअल स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट, इट मेयरली अमाउंट्स टू कमर्शियल हार्डशिप. ये तो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो ये बी गलत हो गया. फिर ए कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्ड पर्सनल परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर इज फ्रस्ट्रेटेड ऑन द डेथ ऑफ प्रोमिसर, बिल्कुल ठीक है. फिर कॉन्ट्रैक्ट विल फ्रस्ट्रेटेड वेयर सर्कमस्टांसेस अराइजेस दैट मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इन द मैनर कंटेम्प्लेटेड, ये बिल्कुल ठीक है, बी इज द आंसर. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है अप्लाई हो जाती है. प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट 43, व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज पार्ट और ऑब्लिगेशन टू द प्रोमिसी इट इज़ नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों ही हो जाते हैं ये 3 and 4 ओनली. तो सी इसका आंसर रहेगा, टेंडर और ऑफर एक ही तो बात है. नेक्स्ट 44, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड एबिनिशियो. वुड हैव द सेम कॉन्सिक्वेंस एज दैट ऑफ एनी, अब रिलीजियस गुरु स्पिरिचुअल लीडर वाला क्या होता है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये कई बार पेपर में भी आता है. ड्रंकन पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, तो ये क्या होता है, वॉइड एबिनिशियो. फ्रॉडेंट पर्सन तो क्या होगा, वॉइडेबल, फ्रॉड से किया तो एज पर सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना. फिर पर्सन हुज आइडेंटिफाई एज मिस्टेक, तो मिस्टेक होगी तो ये भी वॉइडेबल है, ठीक है ना. तो इसमें आंसर क्या रहेगा, सेम कौन सा हुआ, फिर बी वाला, बी इज़ दी आंसर. माइनर एग्रीमेंट वॉइड सेक्शन कौन सा है, ये 11.
45, if a party to the contract in the performance of its obligations has done some work and the further performance has been rendered useless by the act of the other party, the party which performed the said obligation is entitled to recover reasonable compensation for that work done. The said doctrine is doctrine of quantum merit. D is the answer. Jitna kaam kiya, utne ke paise de do. Exercise 46, statement 1 hai. All illegal contracts are void, but all void contracts are not illegal. ये बिल्कुल ठीक है. फिर all wagering agreements are void, yes, as per section 30 of Indian Contract Act. तो both are true. D is the answer. Next 47, as per section 35 of Contract Act, a contingent contract based on specified demand not happening within a fixed time. देखो time fix है. Becomes void at the expiration of fixed time. ये बिल्कुल ठीक है. बिकम्स वर्ड इफ द हैपनिंग दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ दैट फिक्स टाइम. ये बिल्कुल ठीक है. मे बी एनफोर्स, ये गलत हो गया. तो सी इसका आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. तो देखिए कंसिडरेशन का नेसेसरी नहीं होता, एजेंसी में नहीं होता है. एज पर सेक्शन 185 मैंशन किया गया है कि कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, 185 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 49, मैच करना लिस्ट वन को लिस्ट टू से. तो कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मॉल बल्ब कंपनी किस पर है, ये जनरल ऑफर पर. ट्विडल वर्सेज एटकिंसन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर है. भगवान दास वर्सेज गिरधारी लाल कम्युनिकेशन पर. क्रेल वर्सेज हेनरी, ये है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर. तो क्या बन गया, 1, 2, 3, 4. इसका ए इसका आंसर रहेगा. बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 50, वाइल इंटरप्रेटिंग सेंट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट हैज बीन अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटम. दी सेड डॉक्ट्राइन रेफर्स टू लीगल डॉक्ट्राइन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच स्टेट्स दैट. क्या कहती है डॉक्ट्राइन, दैट अ प्रोमिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इवन इफ मेड विदाउट फॉर्मल कंसिडरेशन. ये रॉन्ग है. दैट द रॉन्गफुल गेन ऑब्टेन बाय वन पार्टी कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू द पार्टी हु इज राइटफुल ओनर. नो, ये तो ग्रेटिटस कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वाली डॉक्ट्राइन नहीं है. फिर इफ अ पर्सन गेन बेनिफिट फ्रॉम अदर पर्सन देयर बाय कॉजिंग लॉस टू अदर पर्सन, द पर्सन हु गेन इज रिक्वायर्ड टू रीइंबर्स. ये तो क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्राइन है. फिर दैट एनी क्लॉज कंसिडर टू बी एम्बिगुअस इन अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटरप्रेटेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी दैट क्रिएटेड इंट्रोड्यूस और रिक्वेस्टेड दैट ए क्लॉज बी इंक्लूडेड. तो डी इसका आंसर रहेगा. ये कहती है ये वाली कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटम की डॉक्ट्राइन. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2023 paper Civil Law 2. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.